हेलो एवरीवन, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ पेपा पिक का टेंट हाउस, जो इसको फर्स्ट बर्थडे में गिफ्ट मिला था। तो अभी तक मैंने इसे लगाया नहीं था और इसे अनबॉक्स भी नहीं किया था, तो मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। ये आपको अमेज़न पे मिल जाएगा, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आप चाहो तो ले सकते हो। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा स्पेसियस लगा, और 2 to 5 ईयर के बेबी के लिए एकदम ये परफेक्ट गिफ्ट है। या तो बर्थडे गिफ्ट के लिए भी या अपने बेबी के लिए भी आप मंगा सकते हो। तो मैं इसे आपको असेंबल करके दिखा रही हूँ। असेंबल करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, इसमें पेपर पर दिया हुआ है, और अच्छी बात यह है कि जहाँ रेड लगाना है वहाँ रेड, जहाँ ब्लू लगाना है वहाँ ब्लू, जहाँ व्हाइट लगाना है वहाँ व्हाइट कलर का पेंट से बना हुआ, जिससे कि बहुत ही ईजिली आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से इसको असेंबल करना है। तो आप इसे 10 से 15 मिनट के अंदर ही असेंबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरी चीज़ें आपको ओपन करके दिखा दी। तो सबसे पहले हम इसे सेट करना शुरू करते हैं। तो इसे इस तरह से बनाना है, रेड कलर का जहाँ पे साइन दिया है वहाँ पर ये रेड कलर का जो है लगाने वाला उसे लगाना है हमें। तो यहाँ पर हम सारे पाइप को इस तरह से जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, सारे पाइप को जोड़ लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने वीडियो थोड़ा फास्ट कर दिया है क्योंकि सारे पाइप को ठीक इसी तरह से जोड़ना था। तो दोनों दो दो पाइप को जोड़ा हमने, तो ये बड़ा सा पाइप बन गया येलो कलर का। पेपर पे आपको दिया हुआ है, तो जहाँ रेड लगाना है वहाँ रेड दिया हुआ, जहाँ येलो लगाना है वहाँ येलो, जहाँ ग्रीन लगाना है वहाँ ग्रीन। तो इस तरह से बहुत ही इजीली आपको पता चल जाएगा कि कौन सी पाइप को किसके साथ जोड़ना है। तो यहाँ पर हमने पहले सबसे पहले सारी पाइप को इस तरह से जोड़ लिया। ये टेंट हाउस आपको 799 में मिल जाएगा, ऑफ़र में चल रहा था, अभी 799 में अमेज़न पे मिलेगा। ये इटियोस कंपनी का है, प्ले टाइम फन टाइम पेपा पिग टेंट हाउस। पेपा पिग अभी बहुत फेमस है बच्चों में, तो ये बहुत पसंद आता है छोटे बच्चों को, तो गिफ्टिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो इस तरह से हम इसे जोड़ लेंगे। इसका एक फ्रेम तैयार हो जाएगा जोड़ने के बाद, तो नीचे का जोड़ने के बाद हम ऊपर रख रहे हैं इस तरह से। तो ये मैं आपको फ्रेम दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से जोड़ लेंगे, बहुत ही ज़्यादा इजी है ये। जोड़ने के बाद जब हमारा एक फ्रेम तैयार हो जाएगा, ये देखिए फ्रेम हमारा रेडी हो गया, तो ये बन गया फ्रेम। और उसके बाद अभी हम इसके ऊपर कपड़ा डालेंगे जो हमें मिला था पेपा पिक का, इस तरह से। इस तरह से हम इसे फंसा लेंगे। नीचे तक खींच करके पूरा बराबर कर लेंगे। तो अभी हमारा ये रेडी हो गया पेपा पिक का टेंट हाउस। ये मैं आपको अंदर का दिखा रही हूँ। स्पेसियस है ये काफी, 2 to 5 ईयर ओल्ड के लिए अच्छा है खेलने के लिए। मेरा बेटा अभी 18 मंथ का है, तो इसमें वो हाइड एंड सीक बहुत मन से खेलता है, बहुत मज़ा आता है उसको। तो ये इस तरह से मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ। इस तरह से विंडो दी हुई है, गोल विंडो है। यस, पेपा पिक का जो थीम है और जो कलर दिया है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बच्चों को पसंद आता है ऐसा। जैसे मेरे बेटे को तो इसके साथ खेलना बहुत पसंद आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये। बच्चों के कमरे में आसानी से आप इसे रख सकते हैं, और अगर मन उपजे उनका तो फिर आप रीपैक करके इसको रख दें और थोड़े दिन बाद दे बच्चों को, तो फिर उनको नया जैसा ही लगेगा। तो इसमें मैंने अपने बेटे का 18 मंथ बर्थडे किया है, तो मैंने उसको इस तरह से डेकोरेट किया था। सो आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।